हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 दिन का मलाई है और इसका मैं बनाने जा रही हूँ घी, क्योंकि ज़्यादा पुराना मलाई हो जाता है तो अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ताज़ा मलाई है और इसका घी निकाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं हम इसी तरह से, तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे तब तक जब तक इसमें से पानी अलग ना हो जाए और मक्खन हमारा अलग ना हो जाए। इसके बाद अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद तो इसका घी बनाते हैं और आप एंड तक बने रहिएगा। और आज के ब्लॉग में मैं यही आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, तो मैंने कहा चलो कर लो। और यहाँ पे देखिए तैयार ही होने वाला है हमारा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी अब देखिए निकल चुका है और हम इसको अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि अच्छे से हमारा मक्खन अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हम पहले एक पानी से धुल लिए हैं और इसको दो पानी से फिर धुलेंगे। और धुलने के बाद फ्रेंड्स तो इसको गर्म करेंगे हल्के आंच पे, मीडियम आंच पे, तो ताकि घी हमारा जलने ना पाए और अच्छे से घी भी हमारा हो जाए तैयार। तो बने रहिएगा आप एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा गिलास हमारा 4 दिन के मलाई में हमारा आधा गिलास घी तैयार हो चुका है। और देख सकते हैं आप लोग, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।